حقنا قل حق نما بيشرا اي حبيبي. कोई ना मुनासिब सूरत हाल न पैदा हो अपना अमान कायम रहे। एक मरतबा पूरी कोशिश की गई इंतजामिया की तरफ से कि मदारिस बंद कर दिए जाएं। हमने आपसे गुजारिश की, आपने हमारी बात मानी, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई कि दारुल उलूम या किसी मदरसे को बंद करना पड़े। हजरत मौलाना सिंह नक्शर साहब ने नाम बरकातुल यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने खिताब फरमाया, तलबा ने बड़े सुकून के साथ सुना और ये पूरा वक्त गुजर गया। इसी सिलसिले में कल ये इत्तला मिली कि एसपी साहब, एसएसपी साहब, डीएम साहब और आला अफसरान पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में आज मशवरे के लिए देवबंद के लोगों को बुला रहे हैं। हमारा उनके साथ रहा है, आप को मालूम है कि यहाँ लाइब्रेरी के नक्शे वगैरह का भी मसला चल रहा है और उस सिलसिले में भी जिम्मेदारों का मिलना जुलना होता है। हम वहां पहुंचे, पहले से कोई इत्तला नहीं थी कि आज की मीटिंग किस सिलसिले में हो रही है, क्या मौजू होगा। वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि पूरे शहर के जिम्मेदारों को बुलाया गया है और देवबंद में जो खवातीन की तरफ से एहतजाज हो रहा है उसके सिलसिले में बात करनी है। इंतजामिया का ये कहना था कि इसको खत्म होना चाहिए, लोगों से राय तलब की गई और मुख्तलिफ लोगों ने राय दी, लेकिन आखिर में आकर तकरीबन सब लोग एक बात पर मुत्तफिक हो गए जिसमें शहर के जिम्मेदार सियासी समाजी सभी लोग थे कि मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करें, आपको इख्तलाफ करने का हक है, लेकिन जो सूरत हाल हुई वो उनको मैं बयान कर रहा हूं। सब लोग तकरीबन एक बात का मुत्तफिक हो गए कि दो वक्त के अंदर अपना अमान को बाकी रखने के लिए फिलहाल हमारी खवातीन को अपना एहतियात मुलतवी कर देना चाहिए। जितनी यकीन दहानी हुकूमत की तरफ से हुई है वो और जो मसायल बाकी हैं, अगर इत्मीनान हो जाता है तो ठीक, वरना ईदगाह भी बरकरार है, आपका कानून हम भी बाकी है, आप दोबारा इस सिलसिले को शुरू कर सकते हैं। यही बात आखिर में माइक मेरे सामने आया, मैंने उसमें कुछ शरायत लगाकर के मशरूत तरीके से उनसे कहा जा सकता है, लेकिन खुद मैंने औरतों को मुखातब करके ये कहा हो कि आप एहतजाज खत्म कर दीजिए या ये के दारियों की यह ख्वाहिश है कि एहतजाज खत्म कर दिया जाए। उस मीटिंग के अंदर शरीक होने के वाले एक फर्द के हिस्से से एक बात मैंने कही, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये बंद कमरे में मखसूस मीटिंग के अंदर जो गुफ्तगु हो रही है मशवरे के तौर पर इसका वीडियो बनाकर इसको बयान के शक्ल में वायरल किया जाएगा। ये बदनीयती और खयानत है उन लोगों की जिन्होंने वीडियो बनाया और उसके बाद उसको वायरल कर दिया और उसकी वजह से गलत फहमी पैदा होगी और आपके अंदर जो नाराजगी है पूरे मुल्क से खुदूर फूल भी आ रहे हैं, लोगों के पैगाम भी आ रहे हैं। हमने जब इसको महसूस किया तो शाम को एक वजाहती बयान जारी किया है जो जाब्ते का बयान है जो दारुल उलूम देवबंद के लिए वेबसाइट पर जारी किया गया है। उसमें साफ तौर से यह बात कही गई है कि हुकूमत का रवैया हमारे लिए काबिल इत्मीनान नहीं है और जो लोग इस सिलसिले में हक ना गर हक नुमा पेशवा ए हबीबे।